स्मार्ट सिटी की सूरत बदलने को धर्मशाला की वेस्ट वॉरियर संस्था ने एक अनोखी मुहिम शुरू की है। लंबे समय से स्वच्छता पर काम करने वाली इस संस्था द्वारा अब अलग अलग स्थानों पर पेंटिंग के माध्यम से पब्लिक अवेयरनेस के लिए स्वच्छता का संदेश दिया जाएगा। इसके लिए मुंबई सहित देश भर के नामी कलाकार अपनी कला के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं। ये लोग अपनी पेंटिंग के माध्यम से स्वच्छता के साथ साथ शहर का सौंदर्यकरण भी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इंटरस्टेट बस स्टैंड की राह में गांधी नेहरू पार्क के साथ बनाई गई बड़ी पेंटिंग पर्यटकों को गाइड भी करेगी। इसमें धर्मशाला के प्रमुख स्थलों को दर्शाया गया है। स्मार्ट सिटी धर्मशाला दिखने में जैसी प्राकृतिक सुंदर है, वैसे ही दिखे इसके लिए वेस्ट वॉरियर संस्था मुंबई की विकेट ब्रोज आर्ट संस्था से मिलकर अनोखी मुहिम चलाई जा रही है। इस संस्था ने पर्यटन नगरी के मकलोडगंज के ऊपरी क्षेत्र धर्मकोट और गल्लू नामक जगह के अलावा धर्मशाला बस अड्डे के पास बड़ी बड़ी पेंटिंग बनाई है। धर्मकोट में 8 और गल्लू में 9x8 की तथा धर्मशाला में 50x8 की बड़ी पेंटिंग बनाई गई है। इसमें स्थानीय कलाकारों ने भी अपनी कला का प्रदर्शन किया है। वेस्ट वॉरियर संस्था के ऑपरेशनल मैनेजर राहुल मक्कड़ ने बताया कि वे 3R पर काम करते हुए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इसमें कूड़े को रीयूज करना और रिसाइकिल करने की कला धर्मशाला शहरवासियों को बताई जा रही है। मुख्य उद्देश्य हमारा यही है कि पूरी कम्युनिटी साथ आए। जिस तरीके से ये साफ रहती है, जैसे ये धौलाधार है जो इतने रिसोर्सेज हमें देता है, इतने सारे हमें स्रोत हैं, इसके पानी हैं और क्या वो फार्म्स भी हैं, कई चीज़ें हैं, तो उसको बचाने में, क्योंकि जैसे आप देख रहे हो कि वेस्टर्न साइंस कितने तेज़ी से बढ़ रही है, तो उस हिसाब से वेस्ट भी बढ़ रहा है। तो अगर हम वॉल म्यूरल्स के थ्रू अगर ये प्रदर्शित कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं लोगों को कि साथ आओ, साथ मिल के सफाई करो, अपना कूड़ा जो है डस्टबिन तक लेके जाओ, डस्टबिन तक डालो और अपने आसपास का 100 मीटर साफ रखो। क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, है ना। आपके जो 3R है वो क्या है? रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। तो रिड्यूस मतलब घटाना, रीयूज यानी हम उसे कैसे दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर पानी की बॉटल हम गिरे हैं तो हम उसे रख सकते हैं, हमें खरीदने की जरूरत नहीं है। पानी की बॉटल रखो, उसे दोबारा फिल करो, अपने साथ रखो। रिसाइकल तब होगा जब आप अपना कूड़ा अपने डस्टबिन में डालेंगे और एक कलेक्शन के लिए जो वर्कर आएगा वो उसे भेजेगा सेग्रीगेशन में, फिर वो जाती है रिसाइकल में। तो रिसाइकल हमें इसे ऐसे करना है। और रिड्यूस जो हमारा अल्टीमेट ट्रुथ है कि हमें उसे ख़त्म ही करना है, ठीक है, कि जितने से जितना हो कि हम खरीदे ही ना, जो हमारे पास चीज़ें हैं उनको दोबारा यूज़ कर सकें। तो ये हमारा मकसद है 3R का। थैंक यू। वहीं मुंबई की विकेट ब्रोस कला संस्था से जुड़े पृथ्वीराज मलिक ने बताया कि देश भर की नामी कलाकार उनके साथ जुड़कर इस अनोखी मुहिम में काम कर रहे हैं। सो वॉल पेंटिंग का मेन मकसद यही है कि वॉल पेंटिंग के थ्रू हम लोग एक मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, जिससे लोकल पीपल, टूरिस्ट एंड यहाँ के जो बिजनेसमैन हैं, होटल्स के ओनर्स हैं, वो लोग वेस्ट मैनेजमेंट को और भी यू नो एज एन इम्पॉर्टेंस कंसिडर करें एंड यू नो गीला कचरा, सूखा कचरा जो है उसको ना मिलाए एंड उसी के थ्रू हम लोग धर्मशाला को क्लीन रख सकते हैं। एंड वही मैसेज हम लोग इस म्यूरल के थ्रू दे रहे हैं।